हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन का 13वां दिन, किस तरीके से ये 12 दिन बीत गए। हम सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और क्या चाहिए, सभी लोग अपने घरों पे हैं। और कल जो रात में दीप ज्योति हुई थी, कितना सुंदर लग रहा था। हर किसी ने अपने घर के बाहर जरूर देखा होगा, बालकनी में जब हम सब लोग थे और सामने से जो दूर दूर से घर दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और उससे भी बड़ी बात, जो मीडिया हमें दिखाती है घर बैठे, सोशल मीडिया के थ्रू हमने पूरे देश भर के लोगों को देखा, हर सोसाइटी में किस तरीके से दीप ज्योति हुई, बहुत ही सुंदर था। और इस चीज को सभी ने एक पॉजिटिव वे में लिया है और एक उम्मीद है कि हमें कोरोना को हराना है, कोरोना की इस लड़ाई में हमें जीतना है और हम सबको मिल करके एक साथ जीतना है। आज मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली का लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, कि कई बार होता है कि व्यूवर्स कुछ रेसिपी ट्राई करते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो मुझे दिखाना चाहते हैं। कई बार आता है कमेंट कि अभिलाषा हमने ये बनाया है, आपको हम कैसे दिखाएं। तो यदि आप पिक्चर क्लिक करते हैं, तो आप फेसबुक यूज करते हैं, तो मेरा एक ग्रुप है अभिलाषा कुक स्पॉट, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पर आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं और भी आपके फ्रेंड्स आपकी उस रेसिपी को देख सकते हैं। तो आप अपने मतलब जो फेसबुक अकाउंट है उससे उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके बाद जो भी आप बनाएं, जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप मेरे ग्रुप में जा करके शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं मेरा आज का ब्लॉग। आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी। और मटर तो मैं फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए मटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पनीर घर पे बन जाता है। तो आज मैं रसोई बनाने से के लिए सबसे पहले आटा निकाला है मैंने, और आटे में थोड़ा सा नमक डाला है, और नमक डाल करके आटे को पहले मैं गूँथ लूँगी। आज पहले मैं रोटी बनाने वाली हूँ यानी फुल्का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब देर से ये लोग खाना खाते हैं, क्योंकि आजकल सुबह देर से उठना है, फिर देर से नाश्ता होना है, फिर देर से खाना होना है, तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक हम लोग किचन में इंगेज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि रोटी बना के रख लो, तो ये जैसे होता है ना, आधा काम लगता है कि हो गया रसोई का, वरना रोटी के चक्कर में ना पूरी दोपहर वाली रसोई भी काफ़ी देर तक वैसी रहती है, फिर समेट नहीं पाते हैं हम लोग। तो मैं पहले आज रोटी बना लूँगी और बाद में मैं सब्जी और ये खीरा रायता वगैरह ये सब बनता जाता है, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें जैसे सब्जी है, हम लोग और भी दूसरे कामों के साथ में भी बीच बीच में करते जाते हैं, पर रोटी में लगातार खड़े रहना पड़ता है काउंटर टॉप में, मतलब इंगेज रहते हैं हम लोग रोटी के लिए। तो आज मैं यही कर रही हूँ, और अक्सर गर्मी में तो जैसे जैसे आगे गर्मी आएंगी तो मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, रोटी बना के रख लो और उसके बाद सब्जी गर्म रहेगी खाना खाते वक्त, या दाल चावल जो भी बनना होता है। और रोटियाँ भी काफ़ी देर तक तो गर्म रहती हैं, तो अगर पहले बना ली तो उसमें ठंडी भी नहीं हो जाती है, मतलब दाल सब्जी वगैरह ज़्यादा गर्म रहे तो खाना अच्छे से खाया जा सकता है। हमारी फैमिली में मतलब ऐसा खा लेते हैं, तो इसलिए मैं आज रोटी पहले बना के रख रही हूँ। और जैसे वही है, इस समय ये भी सोचना पड़ता है, आधा टाइम तो सोचने में लग जाता है दाल बनाए तो कौन सी वाली दाल बनाए, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल ही बननी होती है, या सब्जी बने तो जो सब्जियां अपने पास हैं उनमें से ही फिर सोचना कि कौन सी सब्जी बने, उसमें से कुछ लोग नहीं खा रहे हैं, जैसे अभी करेले रखे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बनाए थे करेले, तो अभी नहीं खाना चाह रहे हैं बच्चे, तो इसलिए करेले नहीं बनेंगे। और बाकी तो कोई सब्जियों का ऐसा अभी ऑप्शन नहीं है, गोभी बना ली थी मैंने, भिंडी बना ली थी, तो बस आज मटर पनीर बनेगा। और रोटियां बनने के बाद इनको मैं मतलब पूरा, जब रोटी बन जाती है ना तो उनको ऐसे झटक लेते हैं हाथ से, तो अगर सूखा परथन लगा रह गया तो वो पूरा निकल जाता है, क्योंकि अगर परथन लगा रहा ना रोटियों में तो फिर वो रूखी रूखी लगती हैं खाने में, और परथन कम ही लगा के बेलती हूँ मैं, अगर आप ज़्यादा भी लगाते हैं तो पहले रोटी को झटक लेना तो पूरा परथन निकल जाता है। और उसके बाद ही मैं कैसरोल में रखती हूँ हमेशा की तरह रोटियाँ, और रोटियां मैं हमेशा पतली बेलती हूँ, मोटी रोटी नहीं बेलती हूँ, साइज़ तो आप देख ही रहे हो, चाहे वो बढ़ जाए रोटी बड़ी हो जाए, पर जो भी बॉल मैं लेती हूँ उसको पूरा जितना बेल सकते हैं उतना पूरा बेल लेती हूँ मैं, तो इसलिए पतली रोटियां बनती हैं मेरी, और सारी रोटियां एक साइज़ की बनती हैं, क्योंकि जब हम लोग बॉल्स कट करते हैं तो एक जैसा साइज़ आता है रोटियों में, और पूरी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब रोटी के बर्तन हटा दूंगी मैं,
और कैसरोल में मैंने लगाया कपड़ा। कल किसी व्यूवर ने पूछा है कि कपड़ा कॉटन का है या पेपर की नैपकिन है, तो ये कॉटन का रुमाल जैसा कपड़ा है रोटी के नीचे जो मैंने लगाया है। हमेशा कॉटन का ही यूज़ करो, अगर राउंड नहीं है तो आप स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, पर कॉटन ही यूज़ करना चाहिए। तो बस सारी रोटियां मैंने कैसरोल में रख दी हैं। और अब मैंने फ्रिज से निकाल, ये दही मैंने किस तरीके से जमाई थी आप सभी के साथ शेयर भी किया था, और बस दही जम चुकी है तो मैंने फ्रिज में रख ली थी, फ्रिज से निकाली है। और आधी दही मैं पूरी एक दूसरे बर्तन में निकालूंगी, यानी करीब 2 कटोरी जितनी दही मुझे चाहिए है, और ये दही काफ़ी है। तो मैंने देखिए हाफ निकाल लिया है और हाफ वापस रख दूंगी मैं। अब इस दही को हैंड ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे क्योंकि इतनी गाढ़ी दही है तो उसकी गांठें रहती हैं दही की, तो वो ना रहें, तो एकदम ब्लेंड करने से स्मूथ हो जाती है दही। और 2 खीरे लिए हैं मैंने, उनका छिलका निकाल लिया है और ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर लिया है, उसे कद्दूकस भी कर लिया है। और थोड़े से मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते से रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जब पुदीना नहीं होता है तब फिर मैं हरा धनिया ही डालती हूँ। और 1 मिर्ची को मैंने एकदम बारीक काटा है, वो भी डाल देंगे, पुदीने की पत्ती, हरी मिर्ची, और जो हमने कद्दूकस किया है खीरा वो डाल देंगे। खीरे को अगर आप निचोड़ लो तो उसका पूरा पानी निकल जाता है, फिर आप खीरा डालेंगे तो रायता बहुत गाढ़ा बनता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के लिए, पर मैंने पूरा खीरा डाल दिया, पसंद करते हैं घर में सब लोग। और ये देखिए पुदीने के मैंने पहले धो ली थी, पूरी बन जाती है पुदीने की, धोने के बाद सारे पत्ते अलग अलग निकाल के उनको सुखा लिया है, मतलब पानी झड़ गया, धूप में नहीं रखा, रूम में ही रखा था किचन में। और पेपर नैपकिन लगा करके इस तरीके से बॉक्स में आप रखेंगे तो लंबे समय तक पुदीना सेफ रहेगा। और मैंने पिसा हुआ और भुने जीरे का पाउडर डाला है इसके ऊपर, और तड़का बनाया मैंने 1 चम्मच तेल गरम करके, जीरा डाला आधा चम्मच और थोड़ी सी हींग डाली है, यानी ये हींग जीरे का तड़का है जो कि मैंने रायते के ऊपर डाला है। हमारी फैमिली में पसंद है तड़के वाला, अगर आप तड़के वाला नहीं खाना चाहते हैं तो नॉर्मल भुने जीरा, लाल नमक सब और लाल मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये रायता इंस्टेंट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है। तो इसे भी और बीच बीच में भी बहुत सारे काम होते हैं ना घरों में, तो वो सब भी देखने रहते हैं। तो लंच में ये रहता है, अगर सुबह नाश्ता कर लिया सबने, हैवी है तो लंच इन दिनों बड़े आराम आराम से बनाना रहता है। और पनीर निकाली है मैंने, पानी में डाल के रखा हुआ था फ्रिज में। पनीर की जो रेसिपी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही विद्या करके हैं कोई मेरी व्यूवर हैं रेगुलर, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पनीर बनाया मेरी रेसिपी से और बहुत ही परफेक्ट पनीर बना है। यदि आप घर पर पनीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों दूध तो घर में आ ही रहा है और कोई सब्ज़ी नहीं है, तो आप पनीर बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रखे थे मटर, तो ये जो बड़ा वाला पाउच था ये काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही थी, तो आज मैंने पूरी निकाल ली है। तो ये देखो 1 बाउल मटर है, इसमें आइस है इसलिए कड़ी कड़ी सी और वाइट सी दिख रही है। मैंने इसको 2 बार पानी से धुला है जिससे पूरा आइस पानी जो था ठंडा चिल्ड वाटर निकल गया और अब नॉर्मल मटर बन गई है वो। और ये फ्रोज़न मटर यानी घर की बनी हुई है, फ्रीज़र की रखी हुई। और मैंने हरी मिर्ची जो सूख जाती है ना फ्रिज में, जो जैसे नई हरी मिर्ची आती है और जो पुरानी वाली होती है वो मैं एक डब्बे में रखती जाती हूँ, तो वो लाल हो जाती है। तो ये देखो ये मतलब घर पे ही सूखी हुई लाल मिर्ची है, तो मैंने 2-3 लिया है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने रखा है। इसमें लाल मिर्ची, लहसुन और अदरक और साथ में प्याज, ये सारी चीज़ें डाल करके मैं पहले हल्का सा भून लूँगी, इसलिए तेल मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है जिससे कि कढ़ाई में जले नहीं। और इन सारी चीज़ों को हमें भूनना है, भूनना है मतलब लाल एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हल्की सी गुलाबी करनी है प्याज को। और इसी के साथ में अदरक और लहसुन भी भुन जाती है, तो जो उनका कच्चापन होता है लहसुन प्याज और अदरक का वो पूरा निकल जाता है। और लाल मिर्ची मैंने साथ में भूनी है, क्योंकि ये लाल मिर्ची जब पिसेगी ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी में, जो अक्सर आपने देखा है खड़ी लाल मिर्ची भी भून के पीस के डाली जाती है। और मैंने ये टमाटर का यूज़ किया है, टमाटर काट के डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद भी हल्का सा भून लेंगे। तो टमाटर ये है कि हल्का भूनने के बाद आप देखोगे प्याज व्याज तो पूरी भून चुकी है, टमाटर ऐसे हल्का सा दबाने से गलने से लग जाए, क्योंकि गरम तेल में वो भी भून रहा है। और अब मैंने आँच बंद कर दी है, इसे थोड़ा ठंडा होने लेने दें।
और जब ये नॉर्मल हो गया है तो अब इसे ग्राइंडर जार में डाल करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है पनीर की, और बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है इसको बनाने का, लेकिन रोज़ के खाने से थोड़ा अलग लगने लगती है, क्योंकि जब पनीर बनती है तो पूरी फैमिली यही सोचती है आज कुछ अलग खाना है, स्पेशल है। तो बस इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रख लिया है। अब कढ़ाई में मैंने डाला है तेल गरम करने के लिए, और जो पनीर क्यूब्स मैंने कट करके रखी हैं इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैं तो हम अक्सर मतलब कच्चा पनीर ही डालती हूँ। अब जैसे कभी कभी लगने लगता है चलो फ्राई कर लो हल्का सा, हालांकि ये देखो घर की पनीर रहती है एक तो पानी में डूबी हुई है, तो वो पानी सोख किया रहता तो थोड़ी देर तो वो पानी तेल में जब जाता है थोड़ा टाइम लगता है उसको फ्राई करने में। और बस इस तरीके से इसको अलटते पलटते रहेंगे, हल्का सा ही फ्राई करना है मुझे। जब मैं फ्राई करने लग जाती हूँ पनीर तो सोचती हूँ क्यों फ्राई किया, फ्राई नहीं करना चाहिए था, मुझे कच्चा पनीर ही पसंद रहता है। और मैंने तेल गरम तेल में 1 चम्मच जीरा और तेज पत्ता डाला है, और उसके बाद ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ना वो डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। और बस मीडियम आँच में भूने, तो जैसे मसाला वैसे भी आधा तो पहले से भुना हुआ रहता है ना, तो ये मसाला भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है तो जल्दी से भुन जाएगा। और बस अब इसमें हमने डाली है 1 चम्मच छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के पूरी धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची डालेंगे क्योंकि लाल मिर्ची अभी हमने पीसी भी थी 3, और आधा चम्मच करीब गरम मसाला डालेंगे। चारों सूखे मसाले डाल करके मसाले में पहले मिक्स कर लेंगे, और अब थोड़ा सा पानी डाला है जिससे जो सूखे मसाले हैं वो हमारे जले नहीं और कढ़ाई में ये जो हमारा पेस्ट है बहुत अच्छे से भुन जाए। तो मसाला भुन रहा है और आँच को मीडियम ही रखेंगे, हिलाते जाएंगे उसको रगड़ के और घिसेंगे और ये मसाला भुनने लगेगा। तेल देखिए हल्का सा सेपरेट होने लगता है, मसाला हमें इसी तरीके का भुनना है। तो बस कढ़ाई में उसको मल के पूरा मसाला अच्छे से भून लेंगे, और जो ये हरी मटर है हमारी वो डाल देंगे, साथ में पनीर जो हमने फ्राई किए हैं वो भी डाल देंगे। अब पनीर और मटर दोनों अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो मसाला है उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए तो खूब अच्छा सा उसको भून लेंगे पहले कुछ मिनट के लिए। तो ये देखिए पनीर मटर अच्छे से भून गए हैं, पूरा मसाला जितना भी है वो पूरी अच्छे से कोटिंग हो गई है, और मसाला भी भुन जाता है, और धीरे धीरे जो इसका टेस्ट है ना पनीर में मसाले का हो जाता है। अब पानी डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतली सब्जी नहीं बनाऊंगी मैं, और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है, थोड़ा सा ग्रेवी रहती है तो बच्चों को चावल वगैरह के साथ खाने में अच्छा लगता है। और मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। बस ये सब्जी को पकने में कोई खास टाइम नहीं लगता। अब जैसे ही एक उबाल आती है थोड़ी देर और उसको धीमा करके खौला लेते हैं ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाए और पनीर में उनका टेस्ट मतलब मिक्स हो जाए, बस फिर सब्जी तैयार हो जाती है। इसलिए इस सब्जी को बनाने का कोई टेंशन नहीं रहता जब ये सब्जी बननी होती है घर में। गैस बंद कर दी है हमने, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। चाहो तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, आज मैंने नहीं डाला, हर बार डालती हूँ मैं, आज नहीं डाल रही। और बस हरा धनिया डाल के मिक्स कर लिया है, और सब्जी को हांडी में पलटने के बाद मैंने अब ये कुकर में थोड़ा सा चावल लिया है, यानी 1 कटोरी चावल है छोटी कटोरी, और उसे पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके इसको थोड़ी देर रखे रहने दिया मैंने भीगने के लिए, उसके बाद पानी साफ़ डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा तेल डाला है। तेल डालने से चावल एकदम नॉन स्टिक ही बनता है, हल्का सा चिकनापन रहता है उसमें, नरम रहते हैं। और कल किसी व्यूवर ने पूछा कि आप चावल में नमक क्यों डालती हैं, पता नहीं क्यों मैं सूखी रसोई नहीं बनाती हूँ, फीकी रसोई, जैसे रोटी है तो भी मुझे थोड़ा सा नमक डाल देना है, चावल बनाना है थोड़ा सा नमक डाल देना है, ऐसे शुरू से आदत लग गई, पता नहीं जब से मैंने मतलब रसोई बनानी शुरू करी शादी के बाद, जैसे खाना वाना बनाया तो वो आदत लगी हुई है तो वो जाती नहीं, और शुरू से क्यों किया वही, शुरू में सीखते ही एक तरीके से हम लोग, पहले से कहाँ इतना सब कुछ आता जाता है जब खाना बनाना शुरू किया। तो जब मैंने बनाया होगा चावल तो मुझे लगा होगा हर चीज़ में नमक डाला जाता है, तो मैंने वही डालना शुरू कर दिया, तो आज तक वही आदत लगी है, पानी नमक और घी डाल दो या तेल और चावल बन जाते हैं।
और रसोई पूरी साफ कर ली है मैंने, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो गए थे खाना बनाने वाले लगातार, और थोड़े बहुत नाश्ते के भी पड़े हुए थे सुबह, बच्चे पानी दिन भर ग्लास काफ़ी थे, तो सब साफ़ हो गया। फिर उसके बाद न्यूज़ तो इन दिनों पूरे टाइम चली रही है बीच बीच में, तो अब जब सबको खाना है तब मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने सब्जी को हांडी में पलट के रखी थी, आप देख रहे हैं ना बहुत पतली है और ना, और इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर ये जो मसाला भून कर बनाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से थिकनेस आती है जो ग्रेवी बनती है। और खीरे का रायता मेरी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है, और अब इतनी बार खीरे का बन चुका है तो बच्चे बूंदी का याद कर रहे हैं, मतलब जब मैंने पूछा अब खाना लगाऊं तो बच्चे पूछते ना खाने में क्या बना है, तो जैसे मैंने बोला खीरे का रायता तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं आपने बहुत दिनों से बूंदी का रायता नहीं बनाया, मतलब जो चीज़ नहीं बनी वही याद आएगी। और खीरे का इसलिए बनाया मैंने क्योंकि अभी खीरे रखे हैं, जब खीरे नहीं होते हैं तब तो फिर बूंदी ही एक ऑप्शन बचती है हमारे पास, और कोई चॉइस नहीं होती। तो बस सबकी थाली लग चुकी है और न्यूज़ है, और बीच बीच में हमारे यहाँ वो बच्चों का प्रोग्राम चलता है तो तारक मेहता चलते हैं उनके, और बस सब साथ में खाना खा रहे हैं। इन दिनों अगर लॉकडाउन में देखा जाए तो सबसे अच्छी बात है कि पूरी फैमिली लंच एक साथ खाती है, वरना हमारे घर में तो केवल डिनर ही साथ होता है, लंच तो कभी होता ही नहीं है साथ में, क्योंकि हस्बैंड टिफ़िन लेकर के ही जाते हैं, बच्चे भी जब आते हैं तो 3 बजे आती थी वो केवी और पोद्दार वाले बच्चे, तो इतनी देर तक तो मैं कभी खाने के लिए नहीं रुकती हूँ, तो बच्चे बाद में ही खाते हैं और या टिफ़िन लेके तो सुबह जाते ही हैं, मतलब सबका खाना एक तरीके से अलग ही अलग होता है लंच टाइम पर। लेकिन इन दिनों हर घर में ये है, और कितने अच्छा लग रहा होगा जिन घर में कभी ऐसे संडे में भी हस्बैंड लोग नहीं रहते हैं ना, बहुत से ऐसे मतलब फैमिलीज हैं जहाँ बिजनेस वगैरह है या ये कह लो जॉब है। और भुसावल में जो एक साईं जीवन सुपर शॉप है जहाँ से हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, मैंने दिखाया था एक बार, वहाँ मतलब कुछ टाइम के लिए ही शॉप खुल रही है इस समय, तो जो भी लिस्ट है तो वो सामान मंगाया गया है, तो जैसे मैंने शरबत मंगाया है गुलाब वाला रोज़ फ्लेवर, एक बॉटल मंगवाई है वो सरसों का तेल, और बच्चे बोल रहे थे उनको हॉर्लिक्स पीना है तो मंगाया है, वैसे तो सौंफ मिश्री वाला दूध बनाती हूँ पर अब यही है ना कभी टेस्ट चेंज करने के लिए, और हनी की बॉटल मंगाई है, जो चीज़ें मंगाई हैं वही मैं दिखा रही हूँ। इस बार मैंने सिर्फ इतना ही मंगाया है, और बिस्किट्स वगैरह मंगाए हैं क्योंकि अभी शायद ऐसा बोल रहे हैं कि अभी आगे और भी टाइम ऐसा होगा कि इसी तरीके से लॉकडाउन चलेगा, तो रोज रोज तो किसी को जाना नहीं पता है, इतना सामान आने के लिए भी 1 घंटा तो सिर्फ लाइन लगी थी उनकी, उसके बाद उनका नंबर आया तब उन्होंने लिया। और ये नमकीन के पैकेट मंगाए हैं 3-4 अलग अलग वैरायटी, बिस्किट्स वगैरह मंगाए हैं, और यही सब जो भी चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई थी क्योंकि अभी तो हमने 15 दिन पहले लिया ही था सामान, तो जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं मंगाई कि वो भी मंगा मंगा के स्टोर कर ले, एक तो जगह ही कितनी है और फिर सामान कहाँ रखो ये भी तो प्रॉब्लम है, और जब है तो फिर क्यों मंगाना। ये पापड़ वगैरह मंगा लिए हैं उड़द की दाल वाले, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, न्यूट्रीला मंगा लिए क्योंकि सब्जी का कभी नहीं हुआ, तो छोले राजमा न्यूट्रीला, हालांकि थोड़े राजमा रखे थे लेकिन मैंने इसलिए राजमा मंगा लिया कि कोई सब्जी नहीं है तो राजमा छोले और न्यूट्रीला ये 3 चीज़ें रख सकते हैं कि हम बना सकते हैं कभी भी। और मूंगफली का एक पैकेट मंगाया है शेंगदाने का, और मैदा मंगाई है क्योंकि जैसे अगर मुझे केक बनाना हो या फिर ब्रेड बनाने वाली हूँ मैं, बहुत ही जल्दी ब्रेड बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए मैदा मंगाई है, टोस्ट मंगाई है, और ये भाकर बड़ी, ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि दाल रोटी सब्जी तो बन ही जा रहा है, दाल तो है ही घर में, लेकिन कभी बच्चों को बीच में भूख लगती है दोपहर शाम में तो ऐसा कुछ खा सके हल्का फुल्का। और ये हैंड वॉश आया है, और क्योंकि दिन भर हैंड वॉश 4-6 जगह रखा हुआ है तो वो है फिर भी मंगा लिया गया है, और एक फेस वॉश की बॉटल, और बच्चों के लिए मैगी के बड़े वाले पैकेट्स मंगा लिए हैं, क्योंकि बस यही कि बच्चों को अनटाइमली जो खाना पड़ रहा है इन दिनों, या कभी मांग बैठे दिन भर घर में रहना ना कुछ बच्चे मांग ही लेते हैं, बस इसलिए इतनी चीज़ें मंगाई हैं। बाकी तो देखो दाल रखी हुई थी पिछले अभी इसी महीने तो लिया था, दाल चावल और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं मंगाई हैं, बस यही सोच के मंगाया है छोला राजमा न्यूट्रीला, और इस तरीके से मैं रिफ़िल करके रखती हूँ। मूंगफली का पैक दाने का मंगाया है क्योंकि चटनी वगैरह जब भी बनती है तो मूंगफली का यूज़ करती हूँ मैं, तो बस इस तरीके से रिफ़िल कर लूँगी। और जो जो देख रहे हो आप सौंफ मंगाए थे, तो सौंफ खाने के बाद खाते हैं बारीक वाली सौंफ, वो भर के रख दी है मैंने, तो बस जो जो रिफ़िल करती हूँ वो कर लिया है। ये खजूर हैं छुहारे, जैसे इमली की चटनी वगैरह बनानी हो ना, खजूर की चटनी बनाती हूँ मैं, तो इसके लिए मंगा लिया है, बच्चे बोल रहे हैं कि एक दिन चटनी बनाएंगे चाट के लिए। और पापड़ के पैकेट में इस डब्बे में रखती हूँ तो यहाँ पे रख लिए हैं, और जितना सामान है सब भर भर के रखना,
क्योंकि सामान आ जाना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद रखना, और इनको तो आधा दिन तो बालकनी में रखे थे, जैसे मैंने बताया धूप में रखे थे सब, मैंने पैकेट ऐसे पानी में ही डाल डाल के बाहर निकाल के रखे थे। और ये हैं मतलब खारी, बेकरी से आई है ये खारी, फ्रेश है एकदम, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक बेकरी है जहाँ पे खारी टोस्ट वगैरह बहुत ही अच्छे मिलते हैं एकदम फ्रेश, तो ये हस्बैंड को पसंद है, खारी चाय के साथ खाने के लिए लाए हैं। बस इस तरीके से पैक करके रखना है सारा सामान, और जो बड़े बड़े पैकेट हैं वो कनस्टर में भर के मैंने अलमारी में रख दिया है, जो दिखाया आपको एक बार कि जो बड़े डब्बे होते हैं मेरे कनस्टर वगैरह उनमें वो भर के रख देती हूँ जो अभी नहीं निकालना है, और फिर जितना निकालना है उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके डब्बों में रखती हूँ कि चाय नाश्ते के टाइम पर ले करके खा सकें।